जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जालमी T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के अंदर खेला जाएगा और यह मैच करीबन रात के 9:30 बजे स्टार्ट होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 21 जून को कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जालमी के बीच में मैच हुआ था। और इस साल इस वेन्यू के ऊपर ना 21 T20 के मैचेस खेले जा चुके हैं। तो अपन ने उस मैचेस के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो पिच है ना शेख जायद स्टेडियम की, ये दोस्तों न्यूट्रल पिच है। यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलती है। और दोस्तों आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, जो वेन्यू ना शेख जायद स्टेडियम, यहाँ पर दोस्तों जो बॉलर्स गुड लेंथ पे बॉलिंग कराते हैं, स्पेशली कट्टर बॉलर्स जो गति परिवर्तन करते हैं, बॉल के ऊपर उंगलियां फेरते हैं, प्लस दोस्तों स्पिनर्स यहाँ पे इफेक्टिव रहते हैं। इसका रीजन बताऊँ क्या दोस्तों, जो पिच है ना शेख जायद स्टेडियम की, यहाँ पर जो गुड लेंथ कह रही है, ये दोस्तों अनइवन बाउंस देता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, सेम गुड लेंथ वाले स्पॉट के ऊपर ना एक बॉल दोस्तों एक्स्ट्रा बाउंस लेती है और दूसरी बॉल दोस्तों नीचे रह जाती है। अब देखो सोनी के ऊपर ना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैचेस खेले और 5 मैचेस जीते हैं। वहीं दोस्तों पेशावर जालमी ने सोनी के ऊपर 8 मैचेस खेले और 4 मैचेस जीते हैं। अब देखो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर 27 मैचेस जीती है आउट ऑफ 50 गेम्स, और चेस करने वाली टीम दोस्तों यहाँ पे 23 मैचेस जीती है आउट ऑफ लास्ट 50 गेम्स। एवरेज स्कोर आपको करीबन 152-180 बनता दिखेगा। अब ध्यान देना है लास्ट 38 मैचेस के अंदर सोनी के ऊपर क्या हुआ था, पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 303 विकेट निकाले, वहीं दोस्तों स्पिनर्स ने यहाँ पे 131 विकेट निकाले। अब ध्यान देना आपको जो लास्ट मैच हुआ था 21 जून को कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जालमी जो हुआ था दोस्तों कल रात को 11:30 बजे, उस मैच के अंदर ना यहाँ पर 11 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाला था और दोस्तों एकमात्र यहाँ पे विकेट स्पिनर ने निकाला था, जिसका नाम था दोस्तों नूर अहमद। सनी वेदर यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों आप सभी कहूँगा वीडियो को आप लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो PSL का। अपन दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे एक बेहतरीन दोस्तों आपके लिए मैच बन सके। आपको मैं वैरायटी ऑफ स्टैट्स देने की कोशिश करूंगा, डेटा देने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान देना क्योंकि फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी, आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना टेलीग्राम से। मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात दोस्तों यहाँ पे रहेगी नहीं, ठीक है। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन आपको सबसे नीचे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, जिसको पहले से दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है ये एलिमिनेटेड टू है, इसका मतलब क्या हुआ, जो टीम दोस्तों यहाँ पर मैच जीतेगी वो खेलेगी यहाँ पर फाइनल किसके साथ, मुल्तान सुल्तान्स के साथ। आपको इतना ध्यान देना है, जो दोस्तों पहली बार फाइनल खेल रही है मुल्तान सुल्तान्स, ठीक है, उसके साथ विनिंग टीम खेलने वाली है। और दोस्तों जो टीम हारेगी ना वो अपने घर जाएगी, वापसी करेगी, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है बस। अब देखो यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड हसन अली फिट है, फहीम अशरफ दोस्तों फिट है, लेकिन लास्ट मैच में दोनों ने अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं करा था विद द बैट एंड विद द बॉल। अब यहाँ पे फैक्ट आप जानते ही हो क्या, यहाँ पे जो बबर अजम और रिजवान साहब PSL के सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स हैं। पेशावर जालमी की बात करते हैं तो डेविड मिलर अनअवेलेबल है, जोनाथन वेल्स जो उनके रिप्लेसमेंट है। अब देखो जब दोनों टीम आपस में खेलती है तब क्या होता है, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 15 मैचेस खेले हैं, एक मैच इनका रद्द हो गया था बारिश के कारण। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 बार जीती है और दोस्तों पेशावर जालमी 7 बार जीती है। दोस्तों ये होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दोनों सबसे बेहतरीन टीम्स है अपन कह सकते हैं, एक फॉर्म के अंदर है, जो दोस्तों एलिमिनेटर 1 जीत के आ रही है अपन कह सकते हैं किसके अगेंस्ट में, आपको बताइए ये जीत के आ रही है कराची किंग्स के अगेंस्ट में पेशावर जालमी। हजरतुल्ला से दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे थे, 77 की पारी थी, बहुत ही बढ़िया मैच था वो भी। तो अपन कह सकते हैं कि ये टीम दोस्तों थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहेगी पेशावर जालमी में। दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड सोचेगी कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन सबसे टॉप 2 पोजीशंस के अंदर थे तो अपने लिए कोई गम की बात नहीं है। अपन दिखाएंगे दोस्तों कि क्यों यहाँ पर वी आर यूनाइटेड टुगेदर नोन एज इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखो यहाँ पे लाइनअप्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है PSL का रूल है कि 2 इमर्जिंग प्लेयर स्क्वाड के अंदर होने चाहिए और एक प्लेयर दोस्तों प्लेइंग 11 के अंदर आना ही चाहिए जो इमर्जिंग प्लेयर है जिसकी एज 25 से कम हो और दोस्तों वो पाकिस्तान के लिए कभी खेला ना हो नेशनल टीम के अंदर, उसको बोलते हैं इमर्जिंग प्लेयर। अब देखो इस टूर्नामेंट के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 3 मैचेस आ रही है, अब देखो कैसे आ रही है, वन लॉस फिर लॉस, तो आप समझ सकते हो लगातार इसने 5 मैचेस जीते थे बीच के अंदर। तो कॉलिन मनरो ओपन करते हैं,
न्यूजीलैंड के प्लेयर है, रुस्मान ख्वाजा दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के ओवरसीज प्लेयर है, मोहम्मद अखलक, शदाब खान, ब्रेंडन किंग, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, फवाद अहमद। अब ध्यान देना दोस्तों, इस मैच के अंदर मैं फवाद अहमद को क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में शदाब खान ने भी अच्छी खासी बॉलिंग कराई थी, प्लस मेरे हिसाब से ना फवाद अहमद मिडल ओवर्स के अंदर मैच का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास दम कम रखते हैं और बड़े बड़े मैचेस खेल रखे हैं। ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं हुसैन तलात के बदले ना ब्रेंडन किंग को बुलाना चाहूँगा। ये दोस्तों एक ऐसा प्लेयर है जो नेचुरल हिटर है। पहली बात तो हुसैन तलात थोड़ा स्लो खेलते हैं, पिछले मैच में 25 बॉल में 25 रन बनाया था, मतलब कुछ खास तो हुआ नहीं दोस्तों 25 बॉल 25 रन बनाने से। लेकिन ब्रेंडन क्या करेंगे दोस्तों, ब्रेंडन किंग करेंगे 25 बॉल में 50-60, या तो फिर दोस्तों 2-3 बॉल के अंदर आउट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से बेटर है या तो आप अच्छी एक नॉक खेल दो, या तो दोस्तों जल्दी आउट हो जाओ, टीम पे प्रेशर क्रिएट ना करो। गिव अवे ऑन कॉलिन मनरो, हैशटैग आपने लिखना, आपने स्टैट्स गुरु जी लिखना, और आपको बताना दोस्तों यहाँ पर कि CM कॉलिन मनरो कितने रन बनाएंगे। पेशावर झालमी लॉस वन 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 लॉस वन लॉस वन लॉस वन, तो अलग ही कुछ इनकी फिराक चल रही है दोस्तों। एक मैच जीतते हैं, अगला मैच हारते हैं। हजरतुल्ला जजई यहाँ पर ओपन करते हैं, अफगानी प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है कामरान अकमल के साथ। हैदर अली दोस्तों यहाँ पे आने चाहिए, वरना इमाम उलक आएंगे दोस्तों, इनको भी 2-3 मैचेस में चांस दे चुके हैं। मलिक साहब, खालिद उस्मान दोस्तों राइटी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। रोवन पावल, रदरफर्ड, वहाब रियाज, उमाद आसिफ, मोहम्मद इमरान इमर्जिंग प्लेयर है, और यहाँ से मोहम्मद इरफान आपको खेलते हुए दिखेंगे। और जो लोगों दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, उनको क्या करना है, सब्सक्राइब्स के बगल के अंदर एक बेल बटन होता है, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करके अल पे क्लिक कर देना। से फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों, फर्क ये पड़ेगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत की बात रहेगी नहीं वहां पर। अब देखो जब दोनों टीम आपस में खेलती है तब क्या होता है, यह है दोस्तों हेड टू हेड स्टैट्स, बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। हमेशा आपसे कहता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी आपको रिसेंट फॉर्म को देनी है, रिसेंट फॉर्म को। सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है हेड टू हेड स्टैट्स को, या मैं कहूँ दोस्तों प्लेयर बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आखिर के अंदर आप वेन्यू स्टैट्स को प्रायोरिटी दे सकते हो। अब ध्यान देना है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कॉलिन मनरो अच्छे खासे फॉर्म में। मनरो साहब पहले मैच में देखो उसने क्या करा था, 52 करा, 0 करा, 48 करा। इस टीम के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ दोस्तों, हेड टू हेड मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो उसने 3 मैचेस के अंदर लगभग 100 रन करें। कैसे करें आपको बता दिए, 52 वाइल बैट फर्स्ट, 48 वाइल बैट फर्स्ट, 0 उसने वाइल चेसिंग करा था। उस्मान ख्वाजा 105 इसने करा है वाइल बैट फर्स्ट इस टीम के अगेंस्ट में, जिसका नाम है पेशावर झालमी, और बहुत अच्छी नौकती यार, शतक जड़ा था इस टीम के अगेंस्ट में 4-5 दिन पहले, 17 तारीख की बात आई थिंक। आएंगे यहाँ से मोहम्मद अखलक, ये भी दोस्तों एक बढ़िया बैट्समैन है, इनकी बैटिंग नहीं आई थी लास्ट मैच के अंदर आपको पता ही है, T20 के अंदर 9 मैचेस में 160 रन से, क्लासिकल प्लेयर है, लास्ट मैच में अच्छे टच में दिखे थे, लेकिन अनलक्की वहाँ पे मोहम्मद इमरान का रनआउट था, अच्छा खासा रनआउट करा था वहाँ पे इमरान खान ने। अब यहाँ से आएंगे शदाब खान, 9 मैचेस में 11 की एवरेज, 92 रन है, 77 है, 10 विकेट है। अब देखो बॉल फर्स्ट में 4 मैचेस में 6 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, और ये जनाब 3 मैचेस के अंदर विकेट लेस गए हैं। बैट फर्स्ट में 77, 6-6-0-0, बैट सेकंड में 2 रन है, 1-0 है। ब्रेंडन किंग आएंगे यहाँ से, तो इनको आपको ध्यान देना है, 46 के इन्होंने नॉट आउट पारी खेली थी इस टीम के खिलाफ में, आपको याद ही रहेगा जब ये लोगों ने 240 को जैसे स्कोर बनाया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इफ्तिकार अहमद 5 मैचेस में 36 रन है, हेड टू हेड मैचेस के अंदर 16-7-9-4-0 अपन कह सकते हैं, 6 मैचेस उसको ऐड कर सकते हो, लास्ट मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी। हुसैन तलक 6 मैचेस के अंदर 79 रन है, 29-22-0 बैट फर्स्ट, 19-72 बैट सेकंड, और 2 विकेट है। आसिफ अली आएंगे यहाँ से, 11 मैचेस में 23 के एवरेज, 10 पारियों में उसकी बैटिंग आई है, उसके अंदर 179 रन है, हाइस्ट 45 जो लास्ट मैच में बनाया था, कुछ 13-14 बॉल के अंदर 30+ 2 बार करा है। फर्स्ट इनिंग्स 45-43-23-19-13-3 नॉट आउट 0, बैट सेकंड 26 नॉट आउट 7-0, अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं ये भी, मतलब कि क्लासिकल प्लेयर है और नेचुरल हिटर अपन कह सकते हैं, दमखम इनके पास वैसा ही है, टाइम करते हैं बॉल को। हसन अली एक्स प्लेयर है पेशावर झालमी के, तो इसलिए सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट है, कैसे निकालें, एक बार 2 विकेट निकाला, एक बार 1 विकेट निकाला, और हर मैच में बॉल फोर्स करते हुए निकालें। फहीम अशरफ 8 मैचेस में 7 विकेट है, उसमें से 3 मैचेस के अंदर विकेट लेस गए हैं, बॉल फर्स्ट में 2 में 2 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैचेस में 4 विकेट है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण विकेट्स निकालते हैं, जैसे शोएब मकसूद का उन्होंने लास्ट मैच में निकाला था, मतलब मेन प्लेयर्स का विकेट निकालता है, अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। विद द बैट 108 रन है, लास्ट मैच में नंबर 9 पे या नंबर 10 पे बैटिंग करा था भाई ने, समझ के बाहर था, इनके ऊपर हसन अली आ रहे हैं, और फिर इनके ऊपर दोस्तों कौन आ रहा है, मोहम्मद वसीम जूनियर आ रहे हैं, ये दोस्तों पता नहीं कहाँ पे इतने नीचे बैठे हुए थे। फिर आएंगे ऐसे फवाद अहमद, 7 मैचेस के अंदर 5 विकेट है, 3 मैच के अंदर दोस्तों विकेट लेस गया है। अकीफ जावेद का 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है, और 1 मैच के अंदर विकेट लेस गया, 3 मैचेस ने लास्ट मैच में ही निकाला था, उसमें हजरतुल्ला जजई और इमाम लुकआउट करा था।
फिर यहाँ से आप देख सकते हो स्टार्टिंग ओवर हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, डेथ ओवर में दोस्तों तीनों ही आएंगे। और यहाँ पे स्पिन दोस्तों इनका मसला है थोड़ा सा, आसिफ अली स्पिन को अच्छा खेलता है, वरना दोस्तों और कोई स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाता है, पेशावर सालमे की बात करते हैं। तो हजरतुल्ला जजई का जीरो है वाइल चेसिंग अगेंस्ट दिस टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। और यहाँ से कामरान अकमल का 14 मैचेस के अंदर 33 कैवरेज, 439 रन आए, 88 प्लस 6 बार करा है अगेंस्ट दिस टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। बैट फर्स्ट 88, 74, 53, 19, 81, बैट सेकंड में 53 है, 45 है, 37 है, 22 है, 19 है, 10 है, 7 है, 3 है। आएंगे हैदर अली, 3 मैचेस के अंदर 17 रन है, बैट फर्स्ट 9, 4, बैट सेकंड में 4 है। मलिक साहब आएंगे 13 मैचेस के अंदर 28 कैवरेज है, 12 पारी में बैटिंग करी है, 249 रन आए, 68 है, 30 प्लस 3 बार कराए, बैट फर्स्ट 35, 25, 7, 0, बैट सेकंड 68, 31, नॉट आउट 29, नॉट आउट 23, नॉट आउट 12, 7, 6, 6। रोवन पॉवल आएंगे यहाँ से, इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो इस टीम के अगेंस्ट में 14 वाइल चेसिंग इसने करा था, रदरफर्ड ने 29 वाइल चेसिंग करा था, 9 बॉल के अंदर उसमें 4 छक्के शामिल थे, बहुत तगड़े तगड़े। खालिद उस्मान यहाँ पर आप देख सकते हो इस टीम के अगेंस्ट में इसने खेला नहीं है, T20 करियर के अंदर 58 मैचेस के अंदर इसने 57 पारी में बॉलिंग कराई, एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था इनका, उसमें 56 विकेट है, 310 रन है। वहाब रियाज 13 मैचेस में 21 विकेट है, 150 रन विद द बैट, अब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं जब भी खेलते हैं इस टीम के खिलाफ। बॉल फर्स्ट के अंदर 13 विकेट है 7 मैचेस में, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैचेस में 8 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लेस गए हैं। उमाद आसिफ 9 में 9 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लेस गए। और फिर आएंगे यहाँ से उमाद आसिफ, इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर। तो देखो बॉल फर्स्ट के अंदर इसका 7 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, मैं रिपीट करता हूँ, 7 मैचेस में 6 विकेट है, ये अच्छा था ना, लास्ट मैच में भी तो खेला था इसने तो उसमें विकेट लेस गया था। और सेकंड इनिंग्स के अंदर 2 मैचेस में 5 विकेट है। मोहम्मद इरफान आएंगे यहाँ से, 5 मैचेस में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट में 2, बॉल सेकंड के अंदर 1 विकेट है, और 2 मैच के अंदर दोस्तों विकेट लेस गए हैं। शमीन गुल का 1 विकेट है हेड टू हेड मैचेस में। और यहाँ से इमाम उल हक खेल सकते हैं, 6 मैचेस में 105 रन है, 17 की एवरेज है, 58 इसका फर्स्ट इनिंग्स के अंदर है, सेकंड इनिंग्स के अंदर 18, 15, 7, 7, 0। और मोहम्मद इमरान का यहाँ पे दोस्तों 1 मैच में 0 विकेट है। स्टार्टिंग ओवर वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इमरान, डेथ ओवर में दोस्तों वहाब रियाज, उमाद आसिफ, और यहाँ से आपको मोहम्मद इमरान या तो शमीन गुल देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जब स्वैनी के ऊपर मैचेस में तब क्या आपको ध्यान देना है स्वैनी के ऊपर ना, कॉलिन मनरो ने 58 करा वाइल चेसिंग, 11 वाइल चेसिंग, 11 वाइल बैट फर्स्ट, 90 वाइल चेसिंग, 4 वाइल बैट फर्स्ट, 88 वाइल चेसिंग, 48 वाइल बैट फर्स्ट, 0 वाइल चेसिंग लास्ट मैच में करा था, सोहेल तनवीर की बॉल पे बोल्ड हो गए थे। उस्मान ख्वाजा 18 बैट फर्स्ट, 41 चेसिंग नॉट आउट, 0 बैट फर्स्ट, 12 बैट चेसिंग, 105 बैट फर्स्ट, 70 वाइल चेसिंग। आसिफ अली आएंगे 9 मैचेस के अंदर 175 रन से, ब्रेंडन किंग का दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं 2 मैचेस के अंदर 51 रन है, इफ्तिकार अहमद अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, 8 मैचेस के अंदर 7 बारी में बैटिंग करी है, 0, 12, 49, 71, 6, 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
14 रन है, 8 रन है, 34 रन है, 25 रन है, रन या बॉल करके दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए उनको। मोहम्मद अखलक दोस्तों आप देख सकते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 5 मशरफ 8 मैचेस के अंदर 15 विकेट है, 43 रन विद द बैट है। हसन अली 11 में 15 विकेट है, बॉल फर्स्ट में 6 मैचेस में 8 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 7 विकेट है, 5 मैचेस के अंदर 3 मैच के अंदर विकेटलेस गए। फवाद अहमद दोस्तों सोनी के ऊपर बढ़िया बॉलिंग है, रात इनको ग्रिप मिलता है बॉल पड़ने के बाद घूमता है इनका, 7 मैचेस में 9 विकेट है। और जिस तरह से लग रहा था लास्ट मैच के अंदर तो देख के लग रहा है कि स्पिनर को टीम खिलाने के लिए टेम्प्टेड है। मोहम्मद वसीम 0-2-0-1 फिर यहाँ से 4-0 विकेट है। पेशावर जालमी की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, हजरतुल्ला जजाई 63-0-477 वाइल्ड चेसिंग, हर बार चेस कर रहा है। कामरान अकमल 72 वाइल्ड बैट फर्स्ट, 3 वाइल्ड चेसिंग 1 वाइल्ड चेसिंग 59 वाइल्ड चेसिंग 35 बैट फर्स्ट, 9 चेसिंग 53 चेसिंग 13 चेसिंग। हैदर अली आएंगे यहाँ से, 3 रन 0 रन 28 रन 16 रन। मलिक साहब का 13 मैचेस में 32 का एवरेज है, 303 रन है। लास्ट मैच के अंदर भी बढ़िया नॉक थी इसकी, उससे पहले इस टीम के गेंस में 68 करा था। तो अपन कह सकते हैं वाइल्ड चेसिंग बहुत अच्छा करते हैं, जितनी 40+ नॉक आ रही है ना अपन कह सकते हैं इसने 30+ करा है 5 बार और वो 5 बार वाइल्ड चेसिंग करा है। खालिद उस्मान 17 रन और 0 विकेट है। रोवन पॉवल का यहाँ पे 0-43 रन है, 4 रन है 2 रन है 14 रन है 1 रन है। शर्नेफ रदरफोर्ड का 15 रन 10 रन 56 रन 2 रन 20 रन 17। बाबर रियाज का 7 मैचेस में 9 विकेट है। नवाज आसिफ का 7 में 6 विकेट है। मोहम्मद इरफान दोस्तों यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं इस साल, तो अपन कह सकते हैं कुछ मिला के इनका कुछ 1 विकेट है, फिर 3 विकेट है, फिर 1 विकेट है, तो कुल मिला के इनका 7 विकेट है, 5 मैचेस के अंदर। शमी गुल का 3 विकेट है, जिस सोनी के ऊपर अबरार अहमद का दोस्तों यहाँ पर 3 मैचेस के अंदर मात्र 3 विकेट है। वकार सलेम खेल का 0 विकेट है।
प्लेयर बैटल की बात आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर कॉलिन मनरो का स्ट्रगल है, वहाब रियाज के सामने एक बार आउट में ज़्यादा नहीं, शुएब मलिक के सामने देखो 29 बॉल के अंदर 37 रन है, दो बार आउट में, और यहाँ से उस्मान ख्वाजा दोस्तों वहाब रियाज के सामने 45 बॉल 25 रन एक बार आउट में। और आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोनों लेफ्टीज ओपनिंग करेंगे, कॉलिन मनरो उस्मान ख्वाजा, तो यहाँ पर ऑफ स्पिनर को दोस्तों स्टार्टिंग और डालना चाहिए लॉजिकली। लास्ट मैच में आपसे वही कहा था मैंने, उस्मान ख्वाजा थे सामने कॉलिन मनरो थे, तो भी यहाँ पे शुएब मलिक 8वें ओवर के अंदर बॉलिंग कराने आते हैं और आउट भी कराता है उन्होंने कॉलिन मनरो को। ब्रेंडन किंग वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ये बहुत अच्छी प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेगी। खालिद उस्मान आपको दिखेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। शदाब खान वर्सेज वहाब रियाज, 25 बॉल 30 रन 4 बार आउट करा, उसमें से 3 बार पहली पारी के अंदर आउट करा है। लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने शदाब खान अटकते हैं, हुसैन तलत आएंगे यहाँ से, इनका स्ट्रगल दोस्तों वहाब रियाज के सामने 6 बॉल के अंदर 3 रन है, 2 बार आउट हो चुके हैं। नवाज अफ्रीकी के सामने दोस्तों 17 रन है 16 बॉल के अंदर, 1 बार आउट हुए। इफ्तिकार अहमद वर्सेस वहाब रियाज, 7 रन 9 बॉल 1 बार आउट हुए। आसिफ अली वर्सेस वहाब रियाज, और 14 रन 18 बॉल के अंदर 2 बार आउट हुए, दोनों बार पहली पारी के अंदर। शमीन गुल को दोस्तों धुलाई बहुत तगड़ी करी थी, 28 रन बनाया था 7 बॉल के अंदर, 1 बार आउट हुए थे। फहीम अशरफ वर्सेस उमाद आसिफ, 7 बॉल 4 रन 2 बार आउट हुए और दोनों बार पहली पारी के अंदर आउट करा है। रोयल नाजीर वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर्स, कामरान अकमल की बात करते हैं, इनका स्ट्रगल है दोस्तों शदाब खान के सामने, मोहम्मद वसीम के सामने, मोहम्मद मूसा अली खान, और यहाँ से फवाद अहमद के सामने, हुसैन तलत के सामने। और जो कामरान अकमल प्लेयर है ना, ये दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स प्लस लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने अटकता है। हजरतुल अज़ीज़ वर्सेस अकीफ जावेद, इनके सामने स्ट्रगल है, अगर आपने नोटिस करा हो तो आपको पता रहेगा कि ज़्यादातर लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने आउट होते हैं, जैसे इमाद वसीम हो गया, अकीफ जावेद हो गए, आप देखा से शोएब मलिक वर्सेस हसन अली आपको देखने को मिलेगा। देख लो 35 बॉल 53 रन 2 बार आउट करा है, दोनों बार पहली पारी में। और यहाँ से शदाब खान ने 73 बॉल के अंदर 67 रन देकर 2 बार आउट करा है। फिर आएंगे यहाँ से अली खान, 7 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है। फवाद अहमद ने दोस्तों यहाँ पे 40 बॉल में 40 रन देकर 2 बार आउट करा है। हुसैन तलत ने लास्ट मैच में आउट करा था शोएब मलिक को, और इन्होंने आज तक दिया 17 रन 10 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा। रोहन पॉल वर्सेस हसन अली, शदाब खान ने इनको 8 बॉल के अंदर 2 बार आउट करा, दोनों बार दूसरी बारी के अंदर आउट करा है। अली खान ने 1 बार, फवाद अहमद ने दोस्तों 25 रन दिया 19 बॉल के अंदर 2 बार आउट करा है। फहीम अशरफ अकीफ जावेद ने लास्ट मैच के अंदर आउट करा था रोवन पॉवेल को। रदरफोर्ड आएंगे आज, इनका स्ट्रगल है फवाद अहमद के सामने, 21 बॉल के अंदर 32 रन 1 बार आउट हुए। इमाम उल हक का स्ट्रगल है हसन अली, 3 बॉल 1 बार आउट हुआ 0 रन है। शदाब खान के सामने दोस्तों 19 रन 11 बॉल 1 बार आउट हुए। फवाद अहमद के सामने 11 बॉल में 7 रन 1 बार आउट हुए। फहीम अशरफ के सामने 7 बॉल में 8 रन 1 बार आउट हुए। अकीफ जावेद के सामने 1 बॉल में 0 रन 1 बार आउट हुए। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने अटकते हैं जॉनथन विल्स हो गए, हैदर अली वर्सेस हसन अली। कॉमन कैप्टन कॉलिन मनरो, हजरतुल अज़ीज़ई, बड़ी लिस्ट में उसको आना है, शदाब खान कॉलिन मनरो हजरतुल अज़ीज़ई मैंने से हसन अली अलग जाना है। यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो फहीम अशरफ उस्मान ख्वाजा शोएब मलिक को, ठीक है। अब देखो दोस्तों वही कहूँगा, अब दोस्तों पसंद आए लाइक करके जाना, फिर आप डिसलाइक कर सकते हो। बात करेंगे टीम्स की, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे कैप्टन है शदाब खान, क्योंकि थोड़ी सेफ पिक है, विद द बैट एंड विद द बॉल कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मनरो यहाँ पर आपको दिखेंगे, मालूक दिखेंगे, यहाँ से मैंने दोस्तों यहाँ पे किसको ड्रॉप करा, शोएब मलिक को ड्रॉप करके मैंने हसन अली और फवाद अहमद को एडजस्ट करा है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना, वही कहूँगा दोस्तों रिस्क लेने से डरना हमेशा लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा पाना है तब को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा, तभी तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपके पास पहले कभी नहीं था। यहाँ से कामरान अकमल एक है MVP प्लेयर है दोस्तों, बढ़िया नॉक खेलते हैं, और यहाँ से अकलक भी दोस्तों बेटर प्लेयर है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों बड़ी नॉक्स खेलने का, 20-30 रन मैक्सिमम करके दे सकते हैं। और यहाँ से मलिक आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉकआउट मैच हो सकता है। ख्वाजा मनरो, ये दोस्तों दोनों बहुत कम चलते हैं साथ के अंदर, साथ में दोस्तों चल गए तो मैच एक तरफा जाता, आप भी जानते हो इस्लामाबाद यूनाइटेड दोस्तों फिर एक तरफा जीते, दोनों साथ में चल गए, वरना दोनों से कोई एक ही बड़ी पारी खेलेगा दोस्तों, दोनों भी सस्ते में जा सकते हैं। जज़ई, ये दोस्तों के ऐसे प्लेयर एक मैच में चलता है अगले मैच में नहीं चलता, लेकिन एक बैटर प्लेयर है, बॉल को स्ट्रक करना पसंद करते हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन है। आसिफ अली आप ट्राई करना बड़ी लीग्स के अंदर। फिर यहाँ से मैं कहूँगा आपको ट्राई करना इमाम मुल्क को, क्योंकि दोस्तों बड़ा मैच है, जो टीम हारेगी बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट के अंदर, कोई दोस्त अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहेगा। शदाब खान, फहीम अशरफ इंपॉर्टेंट है, उमाद आसिफ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हुसैन तलत आप मैं कहूँगा कि मुश्किल ही ट्राई करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे वहाब रियाज आएंगे, ये दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण प्लेयर है। मोहम्मद इरफान दोस्तों अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, मैं इनके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं दोस्तों, एक अच्छे खासे हाइटेड बॉलर है, टप्पा अच्छा है इनका। हसन अली
ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा रहते हैं, विद द बैट या विद द बॉल आपको परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर ही देते हैं हमेशा। मोहम्मद वसीम दोस्तों एक ऐसे बॉलर जिनको आपको तब ट्राई करना जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉल फर्स्ट करती है। हकीब जावेद दोस्तों बॉल सेकंड के अंदर अच्छा करते हैं, अगर ऐसे मोहम्मद इमरान बॉल फर्स्ट में ट्राई करना अगर पेशावर बॉल फर्स्ट करती है। फवाद अहमद दोस्तों मस्ट बी कोने जी स्पेशली सेकंड इनिंग्स के अंदर, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करवा मिल जाएगा, तब दोस्तों जुड़ सकते हो। वही कहूँगा लाइफ में दोस्तों हमेशा खुश रहें, छोटी सी जिंदगी यार, कल दोस्तों आप रहो या मैंने रहो कुछ भरोसा नहीं है किसी का, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा सबको खुश रहे दोस्तों, और स्पेशली अपने मम्मी पापा को जिनकी वजह से अपन हैं इस धरती के ऊपर, तो लाइफ में खुश रहें। और दोस्तों सब पे बिलीव रखें, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा क्रिएट करें, अफर्मेशन में बिलीव रखें, क्योंकि अफर्मेशन दोस्तों हमेशा काम करती है। आप किसी से भी पूछ लो, मेरे साथ दोस्तों तक हुआ है, मैं आपसे कभी झूठ बोलूंगा नहीं दोस्तों, मेरे साथ अफर्मेशन हमेशा भी है। तो हमेशा अफर्मेशन पे बिलीव रखें, जब आप बोलते हो दोस्तों आप वही बनते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली दफ़ा, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय जवान जय किसान, एंड सो वेट फॉर श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज प्लस ODI सीरीज दोस्तों, पहला मैच सोफिया गार्डन्स के ऊपर है। तो मिलते हैं, जय हिंद।